किन्नू की कटाई और छटाई। फसल की प्रारंभिक वृद्धि के दौरान किन्नू की शाखाओं की नियमित कटाई छटाई कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि विविधता, पौधे की उम्र, परिपक्वता, फल लगने का समय, खेती की स्थिति और खेती की विधि। छटाई के समय यह जरूरी है कि केवल सीधी शाखाएं जिनमें कांटे हों वे ही काटी जाएं। जब किन्नू के पौधे तेजी से बढ़ रहे हों तो उनकी छटाई नहीं करनी चाहिए। छटाई सर्दियों के अंत में या फल लगने के बाद वसंत ऋतु में की जा सकती है। शाखाओं के सिरों को काटना और शाखाओं को पतला करना छटाई की मूल विधियां हैं। सिरों को काटने से शाखाओं के सिरों की वृद्धि रुक जाती है और कलियां फूट जाती है। यह विधि पौधे को झाड़ीदार और गुच्छेदार बनाए रखती है। जैसे जैसे पौधा आकार में बढ़ता है, आंतरिक लकड़ी फल देना बंद कर देती है और सूखने लगती है। इसलिए पौधे को पतला करने के लिए आपस में जुड़ी हुई टेढ़ी मेढ़ी और मृत शाखाओं को जल्दी हटा देना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाले फल की सर्वोत्तम उपज प्राप्त करने के लिए कुछ और शाखाएं काटें, ताकि पौधे की छतरी को उचित हवा मिले और भीतरी लकड़ी को फल लगने के अधिक अवसर मिले। पौधे की मृत एवं रोगग्रस्त शाखाओं को काट दें, ताकि रोग अधिक न फैले।